हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पर। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जिसमें पोस्ट है स्टाफ नर्स की। परमानेंट वैकेंसी है गुजरात में निकली हुई। ऑफलाइन एप्लीकेशंस आपसे इनवाइट किए हैं और वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। पूरी डिटेल जानने के लिए एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना कभी ना भूले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को निकाला है द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने। और ये वैकेंसी मैं पहले बता चुका हूँ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की है। इसमें नॉन टीचिंग में स्टाफ नर्स की पोस्ट की अपने स्पेशली बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसको फुल्ली फिलअप करना है, सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है और 19 जून 2019 तक आपको द डायरेक्टर द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद को सेंड कर देना है। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। TADA है वो वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो इंट्री होगा उस टाइम लेके जाने हैं और जो फॉर्म आप सेंड कर रहे हो उसमें फोटोकॉपी लगानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिटेल बायोडाटा होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट होगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज और इसके अलावा जो गुजरात स्टेट मेडिकल काउंसिल या गुजरात नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको चाहिए, किसी अदर स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना है, ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अगर आप अभी प्रेजेंट में एम्प्लॉयर है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी लगाना पड़ेगा। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये परमानेंट वैकेंसी है, पोस्ट कम है लेकिन परमानेंट वैकेंसी के कारण आपको ये वीडियो बनाकर सूचित किया गया है। पोस्ट 7 नंबर पे यहाँ पे नॉन टीचिंग में स्टाफ नर्स की दी गई है और ओनली 2 पोस्ट है, वो भी STK कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जब स्टाफ नर्स की अपने बात करते हैं तो जिन लोगों ने BSc नर्सिंग किया है या जिन्होंने GNM डिप्लोमा किया है, किसी भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य शर्त जोड़ी गई है कि गुजरात नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर से अधिक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 35 ईयर है वो कट ऑफ डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात का ये नियम है कि 5 साल तक आपको फिक्स पे दिया जाता है, 5 साल तक 20,000 रुपये फिक्स पे दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी सेवाएँ सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है तो 6 पे कमीशन के हिसाब से 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड 2,800 के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। यानी परमानेंट वैकेंसी है लेकिन गुजरात में अभी 6 पे कमीशन चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे 5 साल तक फिक्स पे का प्रावधान भी होता है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी होगी फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहे वो ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन उसको दबाना न भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।